चुका है। कभी कभी तुम्हारी सुनेगी, कभी अपनी मर्जी चलाएगी। तो सुपर हीरो मूवीज के तो हम सभी फैन हैं, हम सब के अपने अपने सुपर हीरोज होंगे। ऐसे में एक ट्रेलर ड्रॉप हुआ है कल ब्लू बीटल के नाम से, और जिसमें हमारे लीड रोल में है जैम रैमी, यानी कि जो कोबरा काई के जो हीरो थे जिनकी पांचों सीजन मैंने देखी और उस बंदे का मैं फैन हो गया भाई। इतना टीनेजर का इतना क्यूट हीरो लगता है ना भाई, वो मुझे बहुत ही मस्त है। वो हमें ब्लू बीटल में देखने को मिलने वाला है, और बहुत टाइम पहले इसका एक पोस्टर भी लीक हो गया था जो कि हमने इंटरनेट पे देख ही लिया था। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ब्लू बीटल के नाम से मूवी आने वाली है, लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा ना भाई, मैं दंग रह गया। और ट्रेलर से भी ज़्यादा मुझे अगर कुछ एक्साइट करता है तो वो है इसका BGM। भाई साहब जो म्यूजिक डाला है ना पूरे ट्रेलर में, खतरनाक है, पूरा ही खतरनाक है। जब आप ट्रेलर देखने बैठोगे तो आपको म्यूजिक बांध के रखेगी, क्योंकि सीन तो आपको पता ही है कि एक सुपर हीरो जॉनर की मूवी है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो ही रहा होगा। लेकिन जो BGM है इसका आपको कनेक्ट कर लेती है, आपके कानों को इतना सुकून देती है कि भाई मजा ही आ जाता है। ऊपर से जो ट्रेलर की वाइब है ना भाई, वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें उसकी एक फ्रेंड होती है, वो उसको कुछ लाकर देती है बर्गर के डिब्बे के अंदर, और वो जब वो खोलता है तो वो इसमें एक स्पाइडर होता है जो कि एक खिलौने टाइप का दिख रहा होता है, लेकिन जब वो उसको हाथ में लेता है तो वो अपने आप काम करने लग जाता है। उसके दोस्त यार पूछते हैं कि तू ये कैसे कर ले रहा है, तो कह रहा है मुझे भी नहीं पता। इतने में वो उसके मुंह पे झपट्टा मारता और फिर उसको अपना होस्ट बना लेता है और उसके अंदर चेंजेस करने लगता है, और वो स्पाइडर बन जाता है पूरा का पूरा ब्लू बीटल का कैरेक्टर। और जब वो बनता है ना भाई, वो सीन बहुत ही खतरनाक लगता है। जब आप देखोगे उस सीन को बनते हुए आपको बहुत ही मजा आएगा। ऊपर से उसके बाद एक सीन है जो पूरे बस को बीच में से फाड़ देता है, प्लस वो दोनों तरफ देखता हुआ जाता है कि सवारी क्या देख रही है, ये सब कुछ बहुत खतरनाक लगता है। लास्ट में होस्ट उससे कहता है कि तुम बस सोचो, मैं वो चीज़ बना दूंगा, और भाई साहब वो सच में बना देती है। इतना लंबा चौड़ा तलवार बनवाता है ना वो, कसम से बहुत ही मजा आता है। और भाई जैसा कि हमें पता है कि इसमें अगर हीरो है तो विलन भी होंगे, तो विलन भी इसके सुपर विलन ही होंगे। और ये सब आए कहाँ से और ये सब क्रिएट कैसे किए गए, ये सब हमें देखने के लिए देखनी पड़ेगी मूवी जो कि 16 जून को आने वाली है हिंदी से लेकर हर भाषा में। सच में इसमें जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा है, कॉमेडी अंदाज है। इसमें होस्ट भी ये कह रहा है कि भाई कभी ये तेरी सुनेगा कभी ये नहीं सुनेगा, तो ये भी एक खतरनाक सिचुएशन है कि कभी अगर वो उसको ऐसे टाइम पर ना सुने जब उसको उसकी बहुत जरूरत हो तब उसकी क्या सीन होगी, क्या क्या रह जाएगा उसका, तो वो सब देखना पड़ेगा भाई। मज़ा तो आएगा देखने में, क्योंकि एक टीन सुपर हीरो मूवी है तो भाई मजा तो आएगा। मुझे इतना पता कि ये मूवी हल्की फुल्की कॉमेडी के अंदाज में पूरी की पूरी मूवी का समा बांध देगी, मजा बहुत आने वाला है। क्योंकि आजकल टोनी स्टार्क के जाने के बाद कुछ भी ढंग का सुपर हीरो मूवी हमें देखने को नहीं मिला है, तो ऐसे में ये भी क्या पता दबके रह जाए, लेकिन देखने में कुछ इंटरेस्टिंग सा है, मजा तो आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मूवी बहुत ही चले, क्योंकि इसका सिनेमाटोग्राफी, जो कलर ग्रेडिंग है, जो इसका BGM है वो सब कुछ खतरनाक है। ऊपर से जो स्टार कास्ट है वो भी जबरदस्त है, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो ट्रेलर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। इसके साथ एक और टीजर आया जो है एक्सट्रैक्शन 2 का, जो कि हमारे क्रिस हेम्सवर्थ की मूवी है और वो आने वाली है नेटफ्लिक्स पे। इससे पहले जब एक्सट्रैक्शन 1 आई थी तो उसमें हमने मूवी जो देखा था उसमें रणदीप हुड्डा भी देखने में मिले थे, और वो क्या एक्शन पैक मूवी थी भाई। उसके एक्शन आज भी याद है, क्योंकि वो एक वन टेक सीन था पूरा का पूरा, चाहे आप फ्लाईओवर में ले लो चाहे आप ढाका के तंग गलियों में ले लो, वो क्या सिनेमाटोग्राफी है। जो रिसो जिसके राइटर है और डायरेक्टर और सब कुछ वो खुद कर रहे हो, तो भाई मूवी कितनी खतरनाक हो सकती है आप समझ सकते हो। तो टीजर में भी वन टेक शॉट लिया गया है पूरा का पूरा, जो कि क्रिस हेम्सवर्थ खुद चाहते थे, और उसी सीन को उन्होंने एक पूरे 1 मिनट 20 सेकंड के ट्रेलर में पूरा का पूरा उसी सीन को दिखाया गया है। वो देखने में खतरनाक लगता है, क्योंकि ये एक जेल के अंदर का सीन है जिसमें पूरा पूरा फाइट सीक्वेंस चल रहा है। और ये मूवी भी 16 जून को ही नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। तो इसके साथ ही 16 जून को एक और मूवी आएगी जो की है आदिपुरुष, जो की अभी ट्रोल झेल रही है पूरी की पूरी, और अगर उसने अपने आप को नहीं सुधारा तो आगे भी झेलती रहेगी। अगर एक्सट्रैक्शन 2 को नेटफ्लिक्स की जगह पर अगर थिएटर में रिलीज कर दिया जाता तो भाई और भी मजा आ जाता कसम से, क्योंकि इसका जो सीन है, जो सिनेमेटोग्राफी, जो एक्शन सीक्वेंस है, वो थिएटर में देखने लायक है, क्योंकि इतना बड़ा बनाया गया है पूरी के पूरी मूवी को। ओवरऑल अगर आपने ये सारा कुछ देख लिया है तो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। नहीं बताओगे मुझे पता है, बट फिर भी कहना मेरा फर्ज है, और आप इसको पूरा करो ना करो वो भी आपके ऊपर है। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।